मेंबर 5 तारीख से बिग बैश स्टार्ट हो रहा है। देखो अच्छी लीग है, अच्छा खासा पैसे बनने वाले हैं। 2021 से 22 के बीच में ये सारे मैचेस होने हैं। 23 जनवरी तक ये मैच खेला जाना है। 5 दिसंबर से मैच स्टार्ट हो रहा है। देखो बारीकी से समझेंगे कि आपको सिडनी सिक्सर विन करने वाली है या मेलबर्न स्टार विन करने वाली है। किस तरीके से मैं कंबाइंड करूँगा बैट्समैन और यहाँ से वर्सेस बैट्समैन, बॉलर वर्सेस बॉलर, सारी चीज़ें देखी जाएगी और मैं अलग तरीके से समझाऊंगा। देखो कंसेप्ट जो है बिल्कुल अलग होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। जिस भी कैटेगरी में मैं रखूंगा सारी चीज़ों को ना, बिल्कुल डिफरेंट है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि भाई इस तरीके से भी टीम बनती है। और क्या लाजवाब भाई, यहाँ से बेस्ट कॉम्बिनेशन के टीम आपको मिलने वाले हैं भाई। तो ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो फाइनल टीम और एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कुबेरा फैंटेसी ज्वाइन कर लो, डुओ मोड, क्विंटो मोड, गेम चेंजर मोड, ये सारे मोड देखने को मिलते हैं कुबेरा फैंटेसी पे। मेरे कहने पे एक बार आप कुबेरा फैंटेसी डाउनलोड करो, ज्वाइन करो, एक छोटा अमाउंट के साथ डिपॉजिट करो और खेल के देखो कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला। वही टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो फाइनल अपडेट वगैरह मिल जाएगा। देखो सारी चीज़ें डिफरेंट होने वाली है, तरीका भी डिफरेंट होने वाला है। तो इस डिफरेंट तरीका जो मैं अलग कुछ करने का ट्राई कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको पसंद आएगा तो फिर एक प्यार से लाइक कर देना भाई। एक लाइक कर दोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो प्यार से एक लाइक कर देना, लाइक करके आगे बढ़ना, बाकी आप लास्ट तक देख लोगे, मुझे अच्छे से पता है। देखो प्लेइंग 11 डिस्कस करते हैं ना, तो यहाँ से सिडनी सिक्सर्स के तरफ से देखोगे तो भाई जेम्स बीन्स है, फिलिप्स है, डेनियल हग है, हैंड्रिक्स है, जॉर्डन सिल्क है, डेनियल क्रिस्टन है, सिन एबर्ट है, क्रिस जॉर्डन, टॉम करन, स्टेबिन है, बेन या मेनान्टी है, ठीक है। बात करें बेन मेनान्टी का तो भाई बहुत ही तगड़ा खेलते हैं। अब देखो कुछ कुछ प्लेयर का नाम मैं बताता हूँ, जैसे फिलहाल आप यहाँ से मेलबर्न स्टार के तरफ से देख लो तो एस्टोनिश ओपनिंग कराते हैं भाई बिग बैश में। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ, बाकी हर एक लीग और इंटरनेशनल मैच में नीचे आते हैं, बट बिग बैश में भाई यहाँ से मार्कस एस्टोनिश ओपनिंग कराते हैं। जॉय क्लर्क है, यहाँ से हिल्टन है, ग्लेन मैक्सवेल हैं, जॉय बर्न है, या वेबस्टर है, नाथन कोटर नायन है, लियाम हैक्चर है, एडम जंपा है, बिल्ली स्टेनलेक है, काइस अहमद है। अब देखो कुछ कुछ प्लेयर का नाम मैं बताऊँगा आपको, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे इधर से देख लो टॉम करन, ठीक है, इधर से देख लो भाई यहाँ से सेन एबर्ट, ठीक है, और इधर से देख लो भाई आप बिल्ली स्टेनलेक, और देख लो भाई यहाँ से लियाम हेक्चर। ये सारे प्लेयर को अगर कोई जानता है ना, मैं बॉलिंग सेक्शन से बात करूँगा क्योंकि बॉलिंग सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि पिच रिपोर्ट पे देखोगे ना तो एक्स्ट्रा बाउंस और स्विंग मिलने वाली है। तो ये जितने प्लेयर है, जितने भी प्लेयर का मैंने नाम बताया, इसको अगर आप जानते हो तो बिग बैश लीग से ही जानते हो। अगर ये पॉपुलर हुए हैं ना भाई, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर ये पॉपुलर हुए हैं ना तो भाई एक ही इनका मोटिव है कि ये जो है बिग बैश में अच्छा खेले हैं, सो डैट ये IPL भी खेलते हैं और अदर लीग भी खेलते हैं और इंटरनेशनल भी खेलते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग हुई, ठीक है, इसमें वेंकटेश अय्यर ने अच्छा परफॉर्म करा और सीधा उठ के गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए, सो डैट वो कहाँ से भाई चमके, IPL से चमके। सो डैट ये सारे जो प्लेयर उभरे हैं और अच्छा खेलते हैं, खास करके देखो अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं वेंकटेश अय्यर का इंटरनेशनल में, ठीक है, बाकी अब उनका IPL जब रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन है। सो डैट जैसे मान के चलो कि टॉम करन का इंटरनेशनली रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, बट बिग बैश में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वही बात करें लियाम हेक्चर का, तो इंटरनेशनली उतना रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, बट जो डोमेस्टिक खेलते हैं और बिग बैश खेलते हैं बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्ली स्टेनलेक का बात करें तो ये इंटरनेशनली भी अच्छा खेलते हैं, बिग बैश लीग में भी अच्छा खेलते हैं। सो डैट कुछ कुछ प्लेयर हैं जिनके बारे में मैं बेहतरीन तरीका से आपको बता देता हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, आप समझ पाओ हर एक चीज़ को बारीकी से। चलिए अब आते हैं, सारी चीज़ें आप तो देख लिए, प्लेइंग 11 देख लिया सिडनी सिक्सर्स का, प्लेइंग 11 देख लिया यहाँ से मेलबर्न स्टार का। अब देखते हैं कि डेट 5 तारीख को मैच होना है, ठीक है, ये दो चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन, बॉलर वर्सेस बॉलर। भाई ध्यान से देखना, ये दो कंसेप्ट जो पुट करेंगे ना अपनी टीम, आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो, आप कुबेरा पे खेल रहे हो, मैटर नहीं करता, बट ये दो चीज़ें जो लॉजिक के साथ मैं बताऊंगा ना, बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है आपके लिए, ठीक है। वेन्यू का बात करें तो भाई ऐसे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में खेला जाना है मैच। अब देखो
कहीं ना कहीं होम ग्राउंड का एक एडवांटेज लेके चलना कि 5-10% होम ग्राउंड का भी एडवांटेज मिलेगा। कहने का मतलब कि जैसे इंडिया में आईपीएल होती है तो कोलकाता वर्सेस मुंबई का मैच है, वो अगर मुंबई में खेला जा रहा है तो मुंबई को थोड़ा होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है। वही बात करें उस चीज़ अगर कोलकाता में खेला जाता है तो वहाँ का होम ग्राउंड का एडवांटेज कोलकाता को मिलता है। तो ये फैक्ट होती है, थोड़े बहुत तो दिमाग लगा लेना आप, ठीक है ना, क्योंकि होम ग्राउंड का एडवांटेज पाँच, जैसे मान लो कि दोनों के जीतने के चांस 50-50% है, ठीक है, तो आप एक चीज़ करना कि भाई यहाँ से 5% या 10% एक्स्ट्रा लगा देना जो भी होम टीम होगी। जैसे मान के चलते कि 50% जीतने के चांस यहाँ से सिडनी सिक्सर्स के हैं और 50% मेलबर्न स्टार के हैं, तो कहने का मतलब कि एक्चुअली में 55% या 60% जीतने के चांस यहाँ से सिडनी सिक्सर के है और यहाँ से 40% या 45% जीतने के चांस यहाँ से मेलबर्न स्टार के है, क्योंकि 5-10% जीतने के चांस होम ग्राउंड पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब पिच रिपोर्ट की बात करें तो भाई एक्स्ट्रा बाउंस मिलने वाले हैं और स्विंग मिलने वाले हैं, तो उस कंडीशन में जो यहाँ से बिल्ली स्टेनलेक हुए, ठीक है, नातरकंतन नायन हुए, टॉम करन हुए, और बात करें भाई यहाँ से बेन मनान्ती हुए, ये सारे के सारे प्लेयर जो है अच्छा खासा आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो जिनके पास अच्छा खासा बाउंस हो और स्विंग हो उस प्लेयर के साथ जाओगे तो अच्छा खासा विकेट मिलेगा। मैं तो बोलूँगा कि अगर आप जीएल वगैरह खेल रहे हो ना, जीएल खेल रहे हो, तो भाई आप यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हो बॉलिंग सेक्शन से, ठीक है। बाकी मैं हर एक चीज़ का आपको देने वाला हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। वेदर रिपोर्ट का बात करें तो भाई कोई भी बारिश होने का चांसेस नहीं है, पूरा का पूरा मैच देखने को मिलेगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। भाई यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो भूलना मत टेलीग्राम ज्वाइन करना और भूलना मत कुबेरा फैंटेसी ज्वाइन करना। देखो दोनों ही तरीका अलग है, देखो कुबेरा फैंटेसी की टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की हर एक चीज़ जो है, सॉरी भाई, कुबेरा फैंटेसी की टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम पे फाइनल टीम भी मिलती है और एक्स्ट्रा टिप्स भी मिलती है, जो कि अभी भाई शट डाउन पड़ा हुआ है, क्योंकि कहने का मतलब कि T10 मैचेस जो हुए इतना ज़्यादा ख़राब हुई ना भाई, इतना ज़्यादा पैसा हारे हैं ना भाई, क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो छोड़ा जाए वो सारी चीज़ें, बातें जो हो गई वो हो गई, उसका कह नहीं सकते कुछ। अब चलो भाई टीम यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास, आप 4-2-4-1 के साथ जा सकते हो, आप 3-2-5-1 के साथ जा सकते हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बट इस मैच में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होंगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे ना तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, तो कहने का मतलब कि ऑलराउंडर सेक्शन में जैसे हैनिक्स हो गए छोड़ नहीं सकते हैं, डेनियल क्रिस्टन को छोड़ नहीं सकते हैं, भाई बिग बैश खेल के पॉपुलर हुए, ठीक है, मैक्सवेल को छोड़ नहीं सकते हैं, और भाई बात करें भाई यहाँ से हिल्टन को छोड़ नहीं सकते हैं। तो भाई अब चार के चार प्लेयर ऐसे हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, वो भी ऑलराउंडर सेक्शन से, जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों कराने वाले हैं। थोड़ा मैक्सवेल का कम चांस है, बट अगर मान के चलो 1-2-3-4-5 प्लेयर हो गए इधर से, एस्टोनिश भी है एक, मान के चलो कि किसी प्लेयर को मार पड़ती है तो एस्टोनिश कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें कवर होती है कि एस्टोनिश कवर करते हैं या फिर मैक्सवेल कवर करते हैं, ये कहने की बात है। बट यहाँ से बैट्समैन सेक्शन में आई थिंक एस्टोनिश बैट्समैन सेक्शन में है, तो उतना ज़्यादा गौर मत करना, ठीक है। हालांकि प्लेयर इंपॉर्टेंट है रखने हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब चार प्लेयर ले लिए ऑलराउंडर सेक्शन से, तीन प्लेयर ले लेना भाई यहाँ से बॉलर सेक्शन से, तीन प्लेयर ले लेना बैट्समैन सेक्शन से, एक प्लेयर ले लेना भाई विकेट कीपिंग सेक्शन से। अब किस किस प्लेयर को लेना है ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कितने हो गए, 4-3-7-3-10-11 प्लेयर का कॉम्बिनेशन बेहतरीन तरीके से हो गए, क्रेडिट प्रॉब्लम ना आए उसी तरीके से, परफेक्ट तरीके से मैं सारी चीज़ें फिट करूँगा, ठीक है। अब देखो भाई जेम्स विंस और मार्कस एस्टोनिश दोनों का चलो बैटल करवाते हैं, तो भाई कहने का मतलब कि दोनों अच्छे खेलते हैं, सो मैंने बोला कि बैट्समैन में अगर मैं कंपैरिजन कराऊंगा तो दोनों अगर अच्छे खेलते हैं तो दोनों को अपने टीम में आपको रखने हैं। तो चलो भाई यहाँ से जेम्स विंस को रख लेते हैं अपने टीम में और भाई यहाँ से मार्कस एस्टोनिश को रख लेते हैं अपने टीम में। अब देखो भाई फिलिपे जोय कलर अगर कंपैरिजन कराओगे ना तो भाई आपका जो है पल्ला जो है जोस फिलिपे की तरफ झुकेगा, कि जोस फिलिपे अच्छे खेलते हैं कंपैरिजन कराओ तो जोय कलर से, ठीक है। और सिडनी सिक्सर है, होम ग्राउंड के भी थोड़े बहुत एडवांटेज मिलेंगे, सो डेट मैं फिलिपे के साथ जाऊंगा, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आप जो है यहाँ से फिलिपे को ले लेना, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई यहाँ से डेनियल हग हुए और यहाँ से
हिल्टन हुए, ठीक है। अब दो प्लेयर हैं, दोनों में कंपैरिजन कराओगे तो बेशक डेनियल हक जो है अच्छे खेलते हैं, बट मुझे जो है सारी चीज़ें देखनी है अपने तरीके से, इस बात का ध्यान रखना। सारी चीज़ें जब आप अपने तरीके से देखोगे ना, तो थोड़े मोरे जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हिल्टन जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन से दिखेंगे, तो हिल्टन को अपनी टीम में आपको रखने हैं। एक एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि बॉलिंग भी नहीं कराएंगे मार्कस स्टोइनिस और फेल चले जाएंगे, तो उस कंडीशन में भाई डेनियल हक को आप जो है रिप्लेस कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप स्टोइनिस के साथ ही जाना, क्योंकि ये जो हमारी टीम है ना भाई बिल्कुल सेव हेड टू हेड, और भाई यहाँ से +3 मेंबर के साथ आप मैक्सिमम जाओगे तो आपको फिर एडवांटेज मिलेगी, नहीं तो किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं मिलने वाली। जो भी मैं कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, सारे प्लेयर को मैनेज करके चलना पड़ता है, ज़्यादा नहीं रिस्क लेंगे, और भाई ज़्यादा रिस्क लोगे तो समझ रहे हो कि वो टीम GL की बनती है या मिनी GL की बनती है या स्मॉल लीग क्या बनाओ, बाकी हेड टू हेड 3 मेंबर के लिए परफेक्ट बनेगी, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो हैंड्रिक्स का कंपैरिजन करवा ग्लेन मैक्सवेल के साथ, तो हैंड्रिक्स हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं बिग बैश लीग में, मैक्सवेल को छोड़ नहीं सकते, इसीलिए कि भाई अगर छोड़ दिए और बंदा चल गया तो फिर भाई वन साइडेड हारोगे, कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं बचेगा आपके पास, क्योंकि चलता है तो भाई कितना तेज़ी से रन बनाता है ये बात आपको पता होगा। तो चलो भाई यहाँ से हैंड्रिक्स को रख लेते हैं, भाई यहाँ से एम हैंड्रिक्स को रख लेते हैं, और भाई यहाँ से भाई ग्लेन मैक्सवेल को रख लेते हैं अपनी टीम में ऑलराउंडर सेक्शन से। जितनी भी किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो आप बताना, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब जॉर्डन सिल्क और जॉय बर्ड, ठीक है, दो खिलाड़ी हैं। अब देखो कंपैरिजन करवाते जा रहे हैं, अब देखो टोटल 22 प्लेयर हैं, 22 प्लेयर में से 11 प्लेयर को आपको अपने टीम में रखने हैं। जब कंपैरिजन करवाओगे तो ये बाद में देख लेंगे हम, जॉर्डन सिल्क और जॉय बर्न का। बाकी इधर आओगे तो डेनियल क्रिश्चियन और भैया से वेबस्टर का बात करें तो वेबस्टर से बैटिंग करेंगे, ठीक है, बैटिंग करेंगे तो उतना ज़्यादा एडवांटेज क्रिएट करेंगे नहीं, और डेनियल क्रिश्चियन जो है यहाँ से बॉलिंग बैटिंग दोनों कराने वाले हैं। सो डैट अगर पहले खेलने आ जाते हैं, यहाँ से सिडनी सिक्सर्स अगर पहले खेलने आती है तो डेनियल क्रिस्टर आपके पास अच्छे साबित होंगे। अगर बाद में खेलने आती है तो थोड़ा बहुत आप नेगोशिएट कर सकते हो कि मिस कर दे, बट अगर सिडनी सिक्सर्स पहले खेलने आती है तो डेनियल क्रिस्टर को उस कंडीशन में आपको अपने टीम में रखने ही रखने हैं, सो डेट की थोड़ी सेफ्टी में। तो चलो डेनियल क्रिस्टर को भी अपने टीम में रख लेते हैं। अब देखो सारी चीज़ें कवर हो गई है, चार प्लेयर जो परफेक्ट प्लेयर हैं, चार के चार ऑलराउंडर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, 3 में से 2 खिलाड़ी को हम लोगों ने कवर कर लिया, और विकेट कीपिंग सेक्शन में भी हम लोगों ने फिलिपे को रख लिया। अब बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कुछ खिलाड़ी हैं जैसे बिली स्टेनलेक हो गए, लियाम हेक्टर हो गए, और भाई यहाँ से टॉम करन हो गए, तो चलो देखते हैं यहाँ से टॉम करन, भाई यहाँ से लियाम हेक्टर, और यहाँ से भाई बिली स्टेनलेक, तीनों के तीनों खिलाड़ी को हम लोगों ने ले रखा है, क्योंकि तीनों का रिकॉर्ड देखोगे बिग बैश में तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और यही सारी चीज़ें जितवा के जाएगी आपको। मैक्सिमम लोग यहाँ से भाई स्टेप के साथ जाएंगे, कंटर नाथन नायन के साथ जाएंगे, एडम जंपा के साथ जाएंगे, काइस अहमद के जाएंगे, क्योंकि बड़े नाम हैं, बट कुछ छोटे नाम के भी खिलाड़ी जैसे मनान्ती भी आपके लिए अच्छे होंगे, टॉम करन हो गए, लियाम हेक्चर हो गए, बिली स्टेनलेक हो गए, ये सारे खिलाड़ी जो भाई मैं मानो या ना मानो, आप देखना जब मैचेज होगी तो फिर आप रिजल्ट देखना, मानो या ना मानो मैक्सिमम विकेट निकाल के जाएंगे यही सारी खिलाड़ी, क्योंकि हमेशा से अच्छा करते आ रहे हैं। हालांकि क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, बट जो रिकॉर्ड बोलता है, जो एनालिसिस बोलता है, उसके अकॉर्डिंग से ही हमको टीम बनानी होती है। अब एक खिलाड़ी भाई बच गया है जो कि है बैट्समैन सेक्शन से। अब देखो मैं बताता हूँ कि पहले अगर यहाँ से सिडनी सिक्सर्स खेलने आती है तो आप जॉर्डन सिल्क को रख लेना, बट अगर खेलने आती है भाई यहाँ से मेलबर्न स्टार तो उस कंडीशन में भाई आप जॉय बर्न को रख लेना, या भाई यहाँ से आप वेबस्टर को रख लेना, समझ गए, कहीं भी कोई भी दिक्कत फिर से मैं बता देता हूँ। देखो पहले अगर सिडनी सिक्सर खेलने आती है तो उस कंडीशन में आपको जॉर्डन सिल्क को रखने हैं, अगर पहले यहाँ से मेलबर्न स्टार खेलने आती है तो उस कंडीशन में या तो जॉय बर्न या तो यहाँ से वेबस्टर को अपनी टीम में रखने हैं। तो चलो मैं कर देता हूँ यहाँ से जॉय बर्न या भाई यहाँ से वेबस्टर को अपनी टीम में आपको रखने हैं, दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को आपको अपने टीम में रख लोगे तो अच्छा खासा एडवांटेज मिल के जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सिडनी सिक्सर पहले खेलने आती है तो उस कंडीशन में भाई यहाँ से जॉर्डन भाई सिल्क को रख लेने हैं,
ठीक है। तो तीन ऑप्शन दिया मैंने, किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये भी मैंने बता दिया, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टेंसी की, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था कि जीएल में अब जो है कैप्टन वाइस कैप्टन भाई बॉलिंग डिपार्टमेंट के साथ जाना, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि देखो बिली स्टेनलेथ को भाई आप कैप्टन बना देना, ठीक है। और अगर सिडनी सिक्सर्स पहले खेलने आती है तो भाई यहाँ से डेनियल क्रिस्टन को वाइस कैप्टन बना देना, ठीक है। या भाई यहाँ से बात करें हैंडिक्स को वाइस कैप्टन बना देना। वाइस कैप्टनसी के लिए तो हमेशा से लिए आपके लिए बहुत सारे पिक रहते हैं, बट कैप्टन जो है हमारे बिली स्टेनलेक रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिनिमम दो विकेट निकाल के देने वाले हैं एज अ रिकॉर्ड, एज अ एनालिसिस बेस पे मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो कौन से रहने वाले हैं कैप्टन हमारे, बिली स्टेनलेक रहने वाले, वाइस कैप्टन ऑफ डेनियल क्रिस्टन या हैंडिक्स को बना देना। अच्छे खेलते हैं दोनों बिग बैश जो है, अच्छे खेलते हैं। सो डेट मैंने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करा, आप मुझे क्रेडिट दे सकते हो लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। टाइम टू टाइम जितनी भी मैचेस की प्रेडिक्शन वीडियो होगी आप तक पहुंचती रहेगी, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा आपको और बताऊंगा, और मैं उन बंदे को अच्छे से समझा पाता हूं जो अभी अभी नए हैं, जो अभी अभी खेलने आए हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तो उनको बेसिकली हमारा मोटिव रहता है कि मैं सिखा पाऊँ, और सिखाने और जिताने पर ही हम विश्वास रखते हैं। तो आप नए हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कि बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, आप वीडियो को अच्छे से देखोगे फिर आप सीख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा भाई सिखाने पे बिलीव रखता है, ठीक है। और जितनी भी मैंने चीज़ें बताई तो ये तो मैं नॉलेज बेस पे ही बताया ना, और सिखाने का मैंने कोशिश करा कि किस तरीके से टीम बनती है। ऐसे नहीं हुई हुई भाई इस प्लेयर को ले लो, उस प्लेयर को ले लो, ऐसा कुछ रिकॉर्ड भी आपके पास नहीं देख रहा है। क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड पुश करता हूँ ना, कि जो नए प्लेयर होते हैं ना थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं, तो विदाउट एनी रिकॉर्ड लॉजिक के साथ आपको जो है टीम बना के दिया गया है। और भाई यहाँ से 90% केसेस में भाई टीम पास जाएगी, आप हेड टू हेड या 3v वाली कॉन्टेस्ट खेल लेना भाई, 90% केसेज में आप जीत जाओगे, ठीक है भाई। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए जीतते रहिए, ठीक है।